Hello students, good morning everyone. How are you students? I hope you all are good. और आप लोग अपना revision कर रहे हैं ना, Saturday को आपका test है. तो जो भी मैंने chapter revision exercise में आपको chapter बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, 6, 7, 8 and 10. Okay? तो ये exercise, revision exercise की आप लोग practice करना, जिससे आप लोग अपने test को बहुत easily complete कर लेंगे. Okay students? सो लेट्स सी, मैं आज आप लोगों को एक वर्कशीट करवा रही हूँ यहाँ पर मनी के टॉपिक, मनी के अकॉर्डिंग. ओके, तो देखिए रिगार्डिंग मनी के, रिगार्डिंग मनी है ये, तो आप किसको कैसे करेंगे, ये मनी एडिशन है. कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं. तो देखिए क्या है, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़. आप इसको एडिशन करके करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने रुपीज़ आ जाएंगे, 12 रुपीज़. ओके, अब यहाँ दिया है 12 रुपीज़ प्लस 8 रुपीज़, तो आप इसको कैसे करेंगे, एडिशन कर लीजिए. अब 12 के आगे आप 8 काउंट कर सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़. ओके, इस तरीके से इसको एडिशन कर करके इसको कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कैन यू बाई, यहाँ पर क्वेश्चन है कैन यू बाई दिस आइटम, इज देयर इनफ मनी टू बाई दीज आइटम्स, यूज राइट. अगर आप परचेस कर सकते हैं तो राइट लगाएंगे, मीन्स यस और या क्रॉस फॉर नो. ओके, आप नहीं परचेस करते हैं, आपके पास सफिशियंट मनी नहीं है, तो आप लोग उसको परचेस नहीं कर सकते, वहाँ क्रॉस कर देंगे. ओके, या फिर यस लिख सकते हैं, या फिर नो लिख सकते हैं, या फिर राइट का सिंबल लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस कर सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ भात, ठीक है, ये केक जैसा कुछ बना है ना. तो देखिए यहाँ पर है, आपके पास कितने मनी है, 50, 20 and 20, ठीक है. तो आप इस बन को परचेस कर सकते हैं, ये बन जैसा है जो केक जैसा बना हुआ है इसको, तो आपको ये फाइंड करना है 50, 60, 70, 80, 90, इट मीन्स आप परचेस कर सकते हो. देखिए यहाँ पर प्राइस 90 का है ना, ये बहुत है, तो आप देखिए 50 रुपीज़ प्लस 20 प्लस 20 हो गया ना 90, तो आप यहाँ इसको परचेस कर सकते हो, तो 90 लिख देंगे. ओके, तो मतलब ये परचेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ राइट का सिंबल लगा सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर यस लिख सकते हैं. ओके, तो आपने राइट लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा देंगे आप राइट. ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है, ये देखिए प्राइस ऑफ ये जो शर्ट है, इसकी शर्ट की प्राइस क्या है, 80 रुपीज़. अब यहाँ पर कितने हैं, 20, 20, 20, मीन्स 20, 20, 40, 40, 60 and 70, हाँ 60, ठीक है. देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 है, तो 20 प्लस 20, 40, और 40 प्लस 20, 60, और ये प्राइस शर्ट, इस शर्ट का प्राइस क्या है, 80, इट मीन्स आप इस शर्ट को परचेस नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ लगा देंगे क्रॉस. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से सारी चीज, सारे हर एक ऑब्जेक्ट के प्राइस आप देखिए, इतना प्राइस में दिया है और इतने आपके मनी वहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, मतलब आपके पास मनी है, तो आप इस इतने मनी में आप इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स इस आइटम को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं. खरीद सकते हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं खरीद सकते हैं तो आप नो कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज वर्कशीट एंड फिर मुझे आप इसकी पिक सेंड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ़.